Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says two persons each of mass small m are standing at the two extremes of a railroad car of mass capital M, resting on a smooth track. The person on left jumps to the left with a horizontal speed u with respect to the state of the car before the jump. Thereafter, the other person jumps to the right again with the same horizontal speed u with respect to the state of the car before his jump. Find the velocity of the car after both the persons have jumped off. Fine. तो देखो इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है. ये दो पर्सन है, लेट्स से पर्सन ए और पर्सन बी, और दोनों का मास स्मॉल एम है, और ये जो कार है इसका मास कैपिटल एम है, और ये जो ट्रैक है ये स्मूथ है, मींस जो आपके टायर्स हैं ऑफ द कार एंड जो ट्रैक है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन आपको नहीं लेना है. नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो पर्सन ए है ये जंप करता है इन लेफ्ट डायरेक्शन विद अ रिलेटिव स्पीड यू. सो व्हाट विल हैपन कि ये जो पर्सन बी है और ये जो कार है ये राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ वेलोसिटी वी वन. अब ऐसा क्यों होगा? काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है राइट कि जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्व रहना है. पर्सन ए प्लस पर्सन बी प्लस कार, अगर मैं इसे एज अ सिस्टम ले लूँ, सो क्या इस सिस्टम में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो इसका मोमेंटम कंजर्व रहना है, मींस चेंज नहीं होगा. अब इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो, बिकॉज जो पर्सन ए पर्सन बी और कार थे ये रेस्ट में थे. इनिशियल मोमेंटम जीरो, मींस फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा? जीरो. अब ये जो पर्सन ए है ये जंप करता है, सो व्हाट विल हैपन कि किस तरह से जंप करेगा? ये कार को पुश करेगा इस डायरेक्शन में. अगर इसे लेफ्ट में जंप करना है तो कार को राइट डायरेक्शन में एक फोर्स देगा ये, लेट्स से कैपिटल एफ, और पर्सन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा बाय द कार लेफ्ट डायरेक्शन में कैपिटल एफ. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल एफ फोर्स आ रहा है ना, ये फोर्स इंटरनल फोर्स है, है ना? ये काफ़ी बार डिस्कस कर लिया. एनीवे, सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, सो मोमेंटम चेंज नहीं होगा. इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. नाउ फाइनल कंडीशन में आपका जो पर्सन ए है उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है इस डायरेक्शन में यू है, और हमने मान लिया कि पर्सन बी प्लस कार उसकी वेलोसिटी वी वन है. सो जितना पर्सन ए का लेफ्ट में मोमेंटम है एम यू, उतना ही कार प्लस पर्सन बी का राइट में मोमेंटम होगा. सो यहाँ से आपका वी वन आ जाएगा एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, राइट? और आप देखो कि ये जो यू दे रखा है ना कार के रिस्पेक्ट में दे रखा है. द पर्सन ऑन लेफ्ट जंप्स टू द लेफ्ट विद हॉरिजॉन्टल स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर द जंप, मींस कार के रिस्पेक्ट में दे रखा है. और कार के रिस्पेक्ट में भी आप देखो कार की दो वेलोसिटी है. इनिशियली तो कार रेस्ट में थी जब पर्सन ए ने जंप नहीं किया था, तब कार रेस्ट में थी, और जब पर्सन ए ने जंप कर लिया सो कार मूव करने लगी विथ वी वन. सो आपको जो यू दे रखा है वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? जीरो के रिस्पेक्ट में दे रखा है या वी वन के रिस्पेक्ट में दे रखा है? सो वो दे रखा है जीरो के रिस्पेक्ट में. उसने लिखा है कि जब पर्सन ए ने जंप नहीं किया था तब जो कार का स्टेटस था जो कि रेस्ट में है ना, जंप करने से पहले वाला जो कार का स्टेटस है उसके रिस्पेक्ट में यू है, वी वन के रिस्पेक्ट में यू नहीं है. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस कि अब हम क्या करेंगे, पर्सन बी को जंप कराएंगे. सो एक काम करते हैं कि अब जो हमारा कार है और पर्सन बी है इसे हम नया सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं, और ये जो सिस्टम है अब इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है. इनिशियल मोमेंटम क्या है इस सिस्टम का? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी वन. एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं और पीछे की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं, बिकॉज जो आपका मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना. सो आगे की तरफ पॉजिटिव लेंगे, पीछे की तरफ नेगेटिव ले लेंगे. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस कि इनिशियल मोमेंटम आपके पास आ गया. अब जब पर्सन बी जंप करेगा तो इन दोनों के बीच में एक इंटरनल फोर्स लगेगा, बट एक्सटर्नल फोर्स अभी भी जीरो है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, राइट? सो आपको क्या दे रखा है कि पर्सन बी इस तरह से जंप करता है कि उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, पर्सन बी की रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है विथ रिस्पेक्ट टू द कार. नाउ जब पर्सन बी जंप करेगा तो इनके बीच में एक इंटरनल फोर्स लगेगा, राइट? अब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. लेट्स से पर्सन बी की वेलोसिटी वी भी हो गई, और जो कार है उसकी वेलोसिटी हम v2 मान लेते हैं. जो कार की वेलोसिटी वो भी, जब पर्सन बी ने जंप किया तो दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी ना, क्योंकि दोनों पे एक फोर्स लगेगा. पर्सन बी जब जंप करेगा तो कार को पीछे की तरफ पुश करेगा, और कार इस पर्सन को पुश करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, तो पर्सन की वेलोसिटी वी भी हो गई, और ये जो कार है इसकी वेलोसिटी कुछ वी टू हो गई, राइट? नाउ आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू द कार, मींस वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू द कार दैट इज गिवन यू, कि पर्सन बी कार के रिस्पेक्ट में यू वेलोसिटी से जंप करता है. अब वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू द कार यू कैन राइट वी बी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार दैट इज यू. अब ये जो वेलोसिटी ऑफ कार है ना वी सी, ये
आपको वी वन लेनी है या फिर वी टू लेनी है, क्योंकि जब पर्सन बी ने जंप नहीं किया था तब कार वी वन से मूव कर रही थी, जब पर्सन बी ने जंप कर लिया तब कार वी टू से मूव करने लगी। सो हमें कौन सा लेना है, जब पर्सन बी ने जंप नहीं किया था उस स्टेट पे कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी। आप एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लो। देखो, अदर पर्सन जंप्स टू द राइट अगेन विद द सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड यू विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर हिज जंप, मीन्स पर्सन बी ने जब जंप नहीं किया था उस टाइम पे जो वेलोसिटी है कार की वो लेनी है। सो यहाँ पे वी सी की जगह क्या आएगा, वी वन आएगा। सो देखो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी दैट विल बी वी वन प्लस यू, है ना। और वी वन का वैल्यू हमें पता है, वी वन वेरिएबल नहीं है, वी वन का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, फाइन। सो देखो, हमें वी भी पता है। अब फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम ये रहा, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा पी फाइनल, दैट विल बी जो आपकी कार है कैपिटल एम मास की वो वी टू से मूव करने लगी, प्लस जो पर्सन है वो वी बी से मूव करने लगा, है ना। सो देखो, कैपिटल एम वी टू, वी टू का वैल्यू हमें निकालना है कि जब पर्सन बी जंप कर जाएगा तब कार की फाइनल स्पीड कितनी होगी, प्लस स्मॉल एम इंटू वी बी, वी बी का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, वी वन प्लस यू, है ना। और ये आपका फाइनल मोमेंटम है, इसे इक्वेट कर दो इनिशियल मोमेंटम से। सो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी वन से। सो चेक करो वी टू कितना आ रहा है, वी टू विल बी एम वी वन प्लस कैपिटल एम वी वन माइनस स्मॉल एम वी वन माइनस स्मॉल एम यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। सो यहाँ से चेक करो, ये कैंसिल हो रहा है, राइट। सो कितना आ रहा है, वी वन का वैल्यू पुट कर दो, वी वन का वैल्यू एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है ना, एक बार चेक कर लो कहाँ गया, ये एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, फाइन। सो ये हो गया वी वन का वैल्यू, एक कैपिटल एम का मल्टीप्लाई करना है माइनस एम यू। सो एक काम करते हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, वन अपॉन एम है बाहर। सो चेक करो कितना आ रहा है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आपका यू नो डिनोमिनेटर हो गया, और ये कितना आ रहा है, कैपिटल एम स्मॉल एम यू माइनस स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू यू माइनस एम स्क्वायर यू, है ना। सो ये तो कैंसिल हो रहा है, सो माइनस ऑफ एम स्क्वायर यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, दिस इज वी टू, और माइनस आ रहा है मतलब पीछे की तरफ वेलोसिटी है ना, और मैग्नीट्यूड सेम है, बस जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ है। सो इस तरह से हम वी टू निकाल सकते हैं। एनीवे, अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, सो अगर मैं फाइनल कंडीशन की बात करूँ, सो देखो पर्सन ए और इस तरह से आपका इनिशियल कंडीशन था, है ना, ये पर्सन ए था, ये पर्सन बी था और ये कार था। नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर मैं सीधे फाइनल कंडीशन पे चला जाऊँ, मीन्स जब पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ने जंप कर लिया, सो जो पर्सन ए है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगा यू से, और जो कार है वो इस डायरेक्शन में, हमने वेलोसिटी ली थी उसकी कितनी ली थी, वी टू, और जो पर्सन बी है वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कितनी वेलोसिटी थी उसकी, यू प्लस वी वन थी ना। सो आप देखो, अगर आप इनिशियल सिस्टम ये लेते हो, मीन्स जो हमने इनिशियल सिस्टम लिया था उसका मोमेंटम जीरो था, तो अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा ना इस सिस्टम पे। सो ये वाली जो कंडीशन है ना, फाइनल कंडीशन, जब दोनों पर्सन ने जंप कर लिया, इस टाइम पे भी अगर आप मोमेंटम निकालोगे तो वो जीरो आएगा। व्हाट आई वांट टू से कि पर्सन ए का मोमेंटम माइनस ऑफ एम यू, इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, प्लस कार एम वी टू प्लस एम यू प्लस वी वन, आप चेक करना ये जीरो आएगा, निकाल के देखना, माइनस एम यू प्लस कैपिटल एम इंटू वी टू का वैल्यू क्या पुट करोगे, वी टू का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम भी है शायद, एक बार चेक कर लो, हाँ, और प्लस एम यू प्लस वी वन, वी वन का वैल्यू होता है एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, है ना। ये चेक करके देखना, सेम आएगा, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, और अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊँ, सो एम यू प्लस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट। सो नहीं, ये कैपिटल एम नहीं है, ये स्मॉल एम है, सो एम स्क्वायर आ रहा है, और माइनस एम स्क्वायर यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये एम यू है ना, माइनस ऑफ एम यू। सो चेक करो, हाँ ये जीरो हो रहा है ना, ये देखो जीरो हो रहा है ना, जीरो आ जाएगा, फाइन। आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग एट, बेस्ट ऑफ लक।